हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले वीडियो की बात करें या जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़े थे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण करना। छह कंडीशन मैंने बताई थी, छह रे डायग्राम हमने तैयार किए थे अवतल दर्पण के द्वारा। आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। पिछली क्लास में पढ़ा था अवतल दर्पण से, आज की जो क्लास होगी वो उत्तल दर्पण से। अवतल दर्पण से कितने डायग्राम बनाए थे? छह डायग्राम बनाए थे। सबसे पहले एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, या ऐसे भी बोल सकते बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। थर्ड कंडीशन इज एट ए सी। फोर्थ कंडीशन इज बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ कंडीशन एट एफ। सिक्स कंडीशन बिटवीन पी एंड एफ। छह जगह हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को पुट किया था, बिंब को रखा था और दर्पण के सामने देखा था प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। वो हो चुका लास्ट क्लास के अंदर। आज का जो लेक्चर है वो उत्तल लेंस के लिए, सॉरी उत्तल दर्पण के लिए है। तो उत्तल दर्पण के लिए हमें दो ही डायग्राम बनाने हैं। ओनली कितने डायग्राम? दो डायग्राम। तो देखो, जैसे टेबल बनाई थी ना पिछली बार, वैसे टेबल बनाएंगे हम। तो सबसे पहले बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। सेकेंड प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा कॉलम भी प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का नेचर बोल सकते हैं, आकार आ गया, और यहां प्रकृति, और यहां हम लिखेंगे नियम। देखो कंडीशन कितनी है, ओनली हमारे पास टू कंडीशंस, दो कंडीशन। देखो एक और दो कितनी कंडीशन है, एक और दो। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमें रखना है बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति का मतलब है बिंब को कहां पे रखना है, बिंब को रखना है पहले अनंत पर। कहां पे रखना है? अनंत पर। सेकंड कंडीशन है दर्पण का जो ध्रुव था पी और अनंत के बीच में, पी यानी कि ध्रुव एवं अनंत के बीच कहीं पर भी रख दो। अवतल उत्तल दर्पण के द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो सबसे पहले बिंब की स्थिति, बिंब को पहली कंडीशन में रखोगे अनंत पर। सेकंड कंडीशन में बिंब को रखोगे दर्पण का जो ध्रुव था पी, या उसको ओ बी बोल सकते हैं, ध्रुव एवं अनंत के बीच। तो ध्यान रखना अगर बिंब अनंत पर होती है तो फिर प्रतिबिंब या इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पर, एफ पर बनती है। प्रतिबिंब का आकार रहेगा छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कौन सा दर्पण है, उत्तल। उत्तल दर्पण समतल दर्पण की तरह प्रतिबिंब बनाता है, मतलब आभासी, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। नियम लगाना ओनली फर्स्ट। कौन सा नियम लगाओगे? फर्स्ट नियम। देखो हम सेकंड में बिंब को कहां रखोगे, ध्रुव एवं अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव यानी कि पी एवं F के बीच, P एवं F के बीच प्रतिबिंब, वही छोटा और आभासी एवं सीधा। नियम लगा देना पहला और चौथा, पहला और चौथा नियम लग जाएगा इसमें। बस ये टेबल थी, छोटी सी टेबल थी, उसमें तो कितनी बड़ी टेबल थी, छह डायग्राम थे। इसमें कितने डायग्राम है, ओनली टू डायग्राम। पहला अनंत पर, दूसरा ध्रुव एवं अनंत के बीच। अनंत वाला ऐप पर बन रहा है, ध्रुव और अनंत के बीच में कहाँ पे बन रहा है, ध्रुव एवं ऐप के बीच। प्रकृति, सॉरी आकार जो आ रहा है प्रतिबिंब का छोटा आ रहा, प्रकृति सेम है आभासी और सीधा। देखो बनाते हैं एक बार। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले बनाना हमें कौन सा दर्पण, उत्तल। तो ये देखो ये रहा उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण।
ये उत्तल दर्पण, और इसमें ये क्या कर रखा है, कलर। ये उत्तल दर्पण, ये कलर कर दिया, तो ये हो गया एम, सॉरी ये एम और ये एन। तो दर्पण का मिड पॉइंट ये कौन सा है, या तो इसको पी बोल दो या फिर इसको ओ बोल दो। इसमें अंदर की तरफ बनता है पी, यहां पे एफ और यहां पे सी। पी एफ यहां पे क्या आएगा, सी आएगा। तो इनको मिला दो एक बार ऐसे, अब देखो दर्पण तो बना लिया। सबसे पहले बिंब को कहां रखोगे, अनंत पर। मान लो यहां पर कोई वस्तु है अनंत पर, यहां पर कोई वस्तु है अनंत पर, यहां से दो प्रकाश की किरण डालो। दो इसलिए क्योंकि दो किरणों से ही क्या बन सकता है, बिंब बनता है। तो एक प्रकाश की किरण आई, ये आपतित किरण, और ये दूसरे प्रकाश की, सॉरी प्रकाश की दूसरी किरण, ये भी कौन सी है, आपतित किरण। आपको नियम कौन सा लगाना है, फर्स्ट। और फर्स्ट नियम क्या था, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ये मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु से आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, पहला नियम है, तो कहां से निकलती है, एफ से। लेकिन ये कौन सा दर्पण है, ये दर्पण है उत्तल, और उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होता है, अपसारी के भी सारी अपसारी दर्पण। ये प्रकाश की परावर्तित किरणों को फैला देता है, तो वो तो इधर झुका रहा था, ये फैलाएगा, तो ये चली गई इधर, ये चली गई इधर, इसने प्रकाश की किरणों को फैला दिया। तो ये दो तो कभी नहीं मिलने वाली, ये दो तो कभी नहीं मिलने वाली। इसको अंदर की तरफ बढ़ाओ, ऐसे ऐप से निकली, इसको अंदर की तरफ बढ़ाओगे आप, सॉरी इसको अंदर की तरफ ऐसे बढ़ाओगे तो कहाँ से निकलेगी, ऐप से निकलेगी, ये लो। तो अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की रचना कहाँ पर होती है, ऐप पर, छोटी आभासी एवं सीधा। सीधे का मतलब है जैसे प्रतिबिंब, जैसे बिंब की स्थिति वैसे प्रतिबिंब की स्थिति आएगी और सीधा बनेगा बिल्कुल। आभासी का मतलब है दर्पण के अंदर, ये पहली कंडीशन थी, ठीक है। सेकेंड केस देखो, सेकेंड ये फर्स्ट और अब है सेकंड केस। पहले तो दर्पण तैयार कर लेते हैं, ये एम और एन, ठीक है, एम और एन, और ये दर्पण का मिड पॉइंट पी बोल दो या ओ बोल दो, ये एफ और ये सी। ध्यान रखना ये दूरी बराबर होनी चाहिए, पी एफ सी, पी एफ सी। तो अब की बार वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु मतलब बिंब, ध्रुव एवं अनंत के बीच। तो ये रहा ध्रुव दर्पण का और अनंत ये रहा, इनके बीच में कहीं पर भी रख दो लेकिन मुख्य अक्ष के ऊपर। मान लो यहां पे रख दिया वस्तु को, ये वस्तु रख दिए, लो रख दिया वस्तु को और नाम दे दिया ए और बी। अब क्या करना, नियम लगाना, पहला और चौथा नियम। तो पहला नियम तो क्या था, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, ये लो, कहां से निकलेगी, एफ से। कहां से निकलेगी, आगे बढ़ा लो, तो ये तो कहां से निकली, एफ से। अगर किसी बिंब से आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, अगर किसी बिंब से आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, तो परावर्तित किरण हमेशा फोकस से निकलती है। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। ये तो पहला नियम। अब चौथा नियम क्या था, चौथा नियम ये था कि आपतित किरण को अगर पी पे डालते हो ऐसे, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो जितने डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है उतने डिग्री का कोण यहां पे बनेगा। तो ये परावर्तित किरण, ये तो इधर आ रही है, ये इधर जा रही है, ये मिलेगी क्या कभी, ये कभी नहीं मिल सकती। तो इसको आगे बढ़ाया तो इसको भी आगे बढ़ा दो आप, जैसे इसको आगे बढ़ाओगे तो यहां पर बन गया
प्रतिबिंब बना कि नहीं बना, कहां पर बना? पी और एफ के बीच में, पी मतलब पी और एफ के बीच में क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। और प्रतिबिंब बन रहा है छोटा, बिंब से थोड़ा सा छोटा बनेगा ऐसे। और अगर ये सीधी है, ए बी है ना, तो ये भी सीधी बनेगी ए और बी, लेकिन प्रतिबिंब में तो डैश लगा देना। ये ए बी है तो इसकी कंडीशन मतलब इसकी पोजीशन भी कैसी है? सीधी, ए डैश बी डैश। ये लो, इस प्रकार हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकते हैं। दो ही कंडीशन थी, एट इन्फिनिटी एंड द बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो इमेज क्या बन रही थी? एक तो फोकस पर और एक बन रही थी पी एवं एफ के बीच। प्रतिबिंब का आकार कैसा बना? छोटा। और नेचर क्या है? आभासी और सीधा, ठीक है। ये लो, तो गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनाना तो हमने सीख लिया, ये तो केस ही खत्म हो गया। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेंगे छह। देखो कुल मिला के आपको कितने डायग्राम बनाने हैं, वापस मैं समझाता हूँ। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने नियम सीखे थे? चार, 1, 2, 3, 4। फिर अवतल दर्पण के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनाए? छह, 6 और 4, 10। और उत्तल दर्पण के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2। तो 10 और 2, 12। कुल मिला के आपको ओनली कितने डायग्राम याद करने हैं? 12। और एक समतल दर्पण वाला 13 डायग्राम। 13 डायग्राम में अभी तक हमने इतना कोर्स समेट दिया है, ठीक है। अब आगे क्या करना है? आगे का टॉपिक क्या है? आगे का टॉपिक यह है कि जो गोलीय दर्पण है ना, उनका लास्ट टॉपिक बच रहा है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो लेंस आएगा, अपवर्तन आएगा। गोलीय दर्पणों का लास्ट पॉइंट है और वो है गोलीय दर्पणों के उपयोग। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, गोलीय दर्पणों के उपयोग। नेक्स्ट, गोलीय दर्पणों के उपयोग, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। यूजेज ऑफ स्पेरिकल मिरर, उपयोग ये पढ़ना है। जैसे अवतल दर्पण कहाँ पर काम में आता है, उत्तल दर्पण कहाँ पर काम में आता है, हम उनको किस प्रकार से उपयोगित कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, तो वो पढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पहले अवतल दर्पण के उपयोग और फिर उत्तल दर्पण के उपयोग। तो एक नंबर पर ले लें अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण याद आ गया होगा, ये वाला जो अंदर की तरफ क्या होता है? वक्रित होता है, जिसका प्रावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित होता है, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। देखो ध्यान देना, अवतल दर्पण के कितने उपयोग हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट उपयोग है वो यही है कि अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता का फोकस बनाने के लिए, उच्च क्षमता का फोकस बनाने के, एक बार मैं लिख देता हूँ उपयोग, फिर वन बाय वन समझाता हूँ। दूसरा उपयोग है शेविंग दर्पण के रूप में बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए। तीसरा, दंत चिकित्सा में
दंत चिकित्सा या मुंह में छिपी बीमारियों का पता लगाने में। नंबर 4, सर्च लाइट एवं टॉर्च में, सर्च लाइट एवं टॉर्च में उच्च क्षमता का फोकस बनाने के लिए। इसमें भी उच्च क्षमता का फोकस बनाने के लिए, ठीक है। 5th देखो, पहला वाहनों की हेडलाइट में हाई कैपेसिटी का फोकस बनाना है, सेविंग मिरर के रूप में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, दंत चिकित्सा मुंह में छिपी बीमारियों का पता लगाने के लिए, सर्च लाइट एवं टॉर्च में उच्च क्षमता का फोकस बनाने के लिए, सोलर कुकर में तथा दूरबीन में इसका उपयोग किया जाता है। या ये लो, देखो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, वाहनों की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। जो वाहन की आगे वाली जो हेडलाइट होती है ना, तो उसमें पीछे जो घूम कर ऐसे लगा होता है, जिसके आगे बल्ब लगा होता है। आपने वाहनों में ऐसे, जैसे मान लो ये वाहन की हेडलाइट है, ये अंदर से ऐसे गोल होती है कि नहीं होती? यहाँ पर क्या लगा होता है? ऐसे बल्ब, और इसके आगे ये ऐसा ग्लास लगा होता है। ये जो ग्लास है ना, वो दर्पण नहीं है, वो तो ग्लास है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ऐसे वाहन की हेडलाइट होती है, ऐसे ये मान लो ये वाहन की हेडलाइट है, और यहाँ पर क्या लगा होता है? बल्ब। और यहाँ पर ग्लास लगा होता है कि नहीं होता? फिर ये बल्ब ऐसे फोकस डालता है आगे। तो ये जो दर्पण है ना, ये वाला दर्पण, इसके पीछे कलर होता है ऐसे, इसके पीछे कलर है। तो ये अंदर की तरफ वक्रित है, जो अंदर की तरफ वक्रित होता है इसकी तरह, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। तो ये क्या करता है, इस बल्ब से लाइट निकलती है, इससे टकराती है, फोकस पर जाती है, इससे टकराएगी फोकस पर जाएगी, इससे टकराएगी फोकस पर, इससे टकराएगी फोकस पर। तो जैसे ही हम जो वाहन है उसकी हेडलाइट ऑन करते हैं, तो एक उच्च क्षमता का फोकस आगे जाता है कि नहीं जाता? हमें पाथ दिखाने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए। लाइट का यूज कब होता है? रात को। जैसे ही लाइट ऑन करते हैं किसी भी वाहन की, तो उस लाइट से एक उच्च क्षमता वाला, एक बहुत ज़्यादा, ऐसे मान सकते हो बहुत ज़्यादा प्रकाश की किरण या प्रकाश की किरणों का पुंज सामने निकलता है, और ऐसे फैलता हुआ नहीं, एक जगह इकट्ठा हुआ ऐसे बिल्कुल सामने फोकस जाता है, ताकि हमें रास्ता क्लियर नजर आ जाए। मैंने लिखा है वाहनों की हेडलाइट में उच्च क्षमता का फोकस, उच्च क्षमता का मतलब बिल्कुल सामने ऐसे फोकस दिखता है ऐसे, ताकि हमें रास्ता साफ साफ नजर आ जाए। तो वाहनों की हेडलाइट में यूज होता है किसका? अवतल दर्पण। शेविंग दर्पण आते हैं, जहाँ से हम कटिंग बनवाने जाते हैं, शेविंग करवाने जाते हैं, या ब्यूटी पार्लर के अंदर जो मिरर लगा होता है उसके सामने जाके बैठते हैं हम, या कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हम कपड़े पहन के सामने आते हैं, तो हमारा डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनता है, हम मोटे दिखते हैं उसमें। मोटे दिखने के साथ साथ अच्छे भी दिखते हैं। अच्छे दिखने से जब कपड़े पहन के उसके सामने जाएंगे तो अच्छे दिखेंगे, पर हम वो कपड़े खरीद लेते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। तो शेविंग मिरर में कटिंग बनाने के लिए, शेविंग बनाने के लिए, ताकि बड़ा प्रतिबिंब दिखे, बनाने में इजी रहे, आसानी रहे, इसी कारण शेविंग मिरर में भी कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल। दंत चिकित्सा या मुंह में छिपी बीमारियों का, जैसे मान लो किसी अंदर, मुंह के अंदर किसी दांत में कोई बीमारी है ऐसे, तो अंदर तो डॉक्टर जा नहीं सकता, तो डॉक्टर क्या करेगा? यहाँ मुंह के आसपास थोड़ा सा मुंह खुलवा के यहाँ उसके सामने अवतल दर्पण रखेगा। ये 6th कंडीशन है। जब बिंब दर्पण के बहुत ज्यादा पास में आ जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है, पढ़ी थी ना 6th कंडीशन अवतल दर्पण की। तो मुंह के पास दर्पण लगाता है ऐसे, तो उस दांत का प्रतिबिंब किस में दिखेगा? उस दर्पण में। छोटा कि बड़ा? अवतल तो बड़ा बनाता है, बड़ा दिखेगा। बड़ा प्रतिबिंब डॉक्टर को कांच के अंदर दिख जाता है ऐसे, और वो पता लगा लेता है कि इस दांत में किस टाइप की बीमारी है। ये दांत नहीं हो तो मुंह में और किसी भी चीज की कोई भी बीमारी हो मुंह में, उसका पता लगाया जा सकता है किसके माध्यम से? अवतल दर्पण से। नेक्स्ट, सर्च लाइट एवं टॉर्च में। तो टॉर्च में भी यही सिस्टम होता है, टॉर्च आती है ना टॉर्च, उसमें भी देखना, टॉर्च में भी आगे से ऐसे घुमा होता है, ऐसे बल्ब लगा होता है, ये टकराएगा ऐसे टकराएगा। तो टॉर्च जलाते हैं तो सामने उच्च क्षमता का फोकस निकलता है और हमें दूर तक की चीज दिखाई देती है। ऐसे ही सर्च लाइट में होता है,
सर्च लाइट कौन सी होती है? जो आर्मी वाले रखते हैं, जो मिलिट्री वाले रखते हैं ना सोल्जर, वो क्या करते हैं बॉर्डर पर ऐसे सर्च लाइट को घुमाते रहते हैं ऐसे। तो ये तो बहुत जबरदस्त तरीके की सर्च लाइट है, बहुत भयंकर फोकस बनता है ऐसे, कैसे हाई कैपेसिटी वाला, तो फोकस जाके गिरेगा बॉर्डर पर और साफ साफ बॉर्डर नजर आएगी कोई इसमें कि दुश्मन सेना का कोई सैनिक उसमें घुस नहीं जाए। तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है, टॉर्च में, और एक सोलर कुकर में। सोलर कुकर आता है जो सूर्य पर डिपेंड है, सोलर कुकर होता है उस पर अवतल दर्पण लगा होता है, जैसे मान लो सोलर कुकर ऐसे। ऐसे ये सोलर कुकर है, तो इसमें ऐसे अवतल दर्पण लगाइए। अब इसके ऊपर अगर सनलाइट गिरती है आके ऐसे, ये सनलाइट गिरी ऐसे, तो ये ऐसे फोकस पर एडजस्ट होगी, सनलाइट गिरी फोकस पर एडजस्ट, सनलाइट गिरी फोकस पर एडजस्ट, सनलाइट गिरी फोकस ऐसे, तो यहाँ पर क्या ऊष्मा इकट्ठी हो गई, यहाँ पर क्या हो गई ऊष्मा इकट्ठी हो गई। तो उस ऊष्मा को क्या लिया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण लगा होता है तो उसके ऊपर जितना भी प्रकाश आकर गिरता है सारा प्रकाश एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो प्रकाश है वो क्या है ताप ही तो है, ऊष्मा ही तो है, उसको काम में ले लो। तो सोलर कुकर में किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का। और एक होता है दूरबीन, जो दूरबीन वगैरह होती है, ठीक है, जैसे दूरबीन है तो उसमें बड़े बड़े अवतल दर्पण लगे होते हैं, तो जैसे भी कोई भी प्लेनेट है, कोई भी स्टार है, उससे जो आने वाली जो लाइट है, ठीक है, या कोई भी सैटेलाइट है उससे आने वाली लाइट है, उसको कंज्यूम किया जाता है, एक जगह इकट्ठा करके उसका प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो ऐसे देखो एग्जाम में आपको ये 5 पॉइंट डाल के आना है, वाहनों की हेडलाइट में, शेविंग दर्पण में, दंत चिकित्सा में, सर्च लाइट टॉर्च में, और सोलर कुकर तथा दूरबीन से किसी भी ग्रह या उपग्रह का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का। एक और बच रहा है कौन सा, उत्तल दर्पण, वो भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का, सॉरी उत्तल दर्पण का उपयोग, या उत्तल दर्पण के उपयोग, पहले हमने किसके उपयोग पढ़े अवतल के, अब किसके उपयोग पढ़ने, उत्तल दर्पण के उपयोग, इसके ज्यादा उपयोग नहीं है। देखो सबसे पहले तो ध्यान देना, उत्तल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, छोटे, किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, छोटे, तो इसका उपयोग होता है, इसके ज्यादा उपयोग नहीं है। पहला उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण में, वाहनों के पार्श्व दर्पण में। दूसरा ATM मशीन में। तीसरा शॉपिंग मॉल एवं ATM मशीन में, शॉपिंग मॉल एवं ट्रैफिक लाइट पर। अब देखो इसके कितने यूज है, ओनली 3 यूज, वाहनों के पार्श्व दर्पण, जो वाहन होता है जैसे बाइक है, तो बाइक में हेडलाइट की बात नहीं कर रहा मैं, जो साइड में मिरर होता है, साइड में जिसमें देख के हम पीछे का एरिया पता लगाते हैं, तो वाहनों में जो साइड मिरर लगा होता है ना, दोनों तरफ होते हैं, इस साइड भी होता है, इस साइड भी होता है, तो साइड मिरर क्यों आता है, पीछे का देखने के लिए। तो वाहनों के पार्श्व का मतलब साइड मिरर, पार्श्व दर्पण के रूप में या साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण छोटा दिखाता है, छोटे के साथ साथ पीछे का पूरा एरिया कवर करता है। जैसे मान लो ये कोई वाहन है, इसके साइड में ये मिरर लगा हुआ, ये लो ये साइड मिरर है, और साइड मिरर कौन सा होता है, उत्तल होता है, और ये मान लो रोड है, ये क्या है, रोड है, तो ये यहाँ पर एक वाहन आ रहा है, यहाँ पे वाहन आ रहा है, यहाँ पे वाहन, ये वाहन चल रहे ना, तो ये जितना भी एरिया है, ये पूरा एरिया किस में दिखने वाला है, इस उत्तल दर्पण में। क्यों? क्योंकि ये छोटे प्रतिबिंब बनाता है, छोटे, और पीछे का पूरा एरिया कवर करता है। मान लो अगर यहाँ पर अवतल दर्पण होता तो यहाँ पर कौन सा दर्पण होता, अवतल, अवतल तो बड़े दिखाता है, तो
इसमें ये पूरा एरिया आ जाता क्या, इसमें ये एक ही साधन आ पाता एक ही, और इस ड्राइवर को लगता कि पीछे एक ही साधन आ रहा है तो वो इधर घुमा लेता पीछे से गाड़ियाँ, ठोक देता इसमें ले जाके। तो ध्यान रखना वाहनों के जो पार्श्व दर्पण के, वाहनों के पार्श्व दर्पण में कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है, उत्तल दर्पण का। कौन से दर्पण का, उत्तल। क्यों, क्योंकि वो छोटे प्रतिबिंब बनाता है तथा पीछे का पूरा दृश्य कवर करता है। एटीएम मशीन में, कभी एटीएम मशीन देखी हो आपने, तो एटीएम मशीन में एक मिरर लगा होता है उत्तल, ऐसे बाहर निकला हुआ उत्तल, वो क्या करता है पीछे का पूरा एरिया दिखाता है कि जब भी हम पैसे निकाले तो हमारा ध्यान पीछे भी रहे, बार बार पीछे नहीं देख सकते, पैसे निकालते वक्त हम उस मिरर में देख सकते हैं ताकि कोई पीछे से अटैक ना कर दे, क्योंकि पैसे निकलवाने जाते हैं मशीन में तो पीछे से अटैक नहीं कर दे, आप सतर्क हो जाओ, आप सावधान हो जाओ पीछे का दृश्य देखकर। सो इट इज़ द यूज ऑफ इन एटीएम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, शॉपिंग मॉल एवं ट्रैफिक लाइट, शॉपिंग मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल के बाहर ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ एक बड़ा मिरर लगा होता है गोल, बाहर की तरफ निकला हुआ ताकि पीछे का पूरा एरिया कवर हो जाए, ऐसे उसमें देख सके कि पीछे क्या हो रहा है, बार बार पीछे नहीं देखना पड़ता। ऐसे ही ट्रैफिक लाइट पर, ये हर जगह नहीं होते, तो बड़ी सिटी जब वहाँ पर ट्रैफिक लाइट होती है वहाँ पर बहुत बड़ा मिरर लगा होता है ताकि जो गाड़ियों वाले हैं ड्राइवर है वो पीछे का दृश्य देख सके। ऐसे ध्यान रखना तीन जगह उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, वाहनों के पार्श्व दर्पण में, एटीएम मशीन में, शॉपिंग मॉल एवं ट्रैफिक लाइट पर। ये लो, तो ये गोलीय दर्पणों के उपयोग भी हमने पढ़ लिए। बस दर्पण को लेकर एक छोटी सी बात और है, छोटी सी तो नहीं बोल सकते, एक ही टॉपिक बच रहा है, हमें दो चीज़ पढ़नी है दर्पण के लिए, एक तो दर्पण सूत्र और एक पढ़नी है आवर्धनता। दर्पण सूत्र और एक आवर्धनता, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।